हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युमन कौरव। और बहुत जल्दी व्लॉग आने वाला है 2 तारीख को, क्योंकि 2 तारीख को मेरा सर्जरी का फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है। और उसी के लिए पढ़ रहा हूँ। ये खोला हुआ है, ये खोला हुआ है, और बुक से तो नहीं कर रहा हूँ मैं, बट प्रेप के नोट से कर ले रहा हूँ मैं। साइड बाय साइड दोनों होता जाएगा मेरा, इसलिए 3 दिन बाकी आज से। आज कौन सी 30 तारीख है, 30, 31, 1, 3 दिन है यार। 3 दिन में अभी हो जाएगा जहाँ तक है मेरे को लग रहा है। बाकी स्टार्ट तो 25 से कर दिया था, बट वो तो ऐसे ही घुमा फिरा के पढ़ रहे थे। आज अच्छे से, मतलब प्रॉपर पढ़ रहे हैं। ये सीन है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है यार औरंगाबाद में। बाकी मैं कई कई बार तुम्हें वीडियो में बताता था कि चेंजेस क्या आते हैं, जैसे रशिया के एग्ज़ाम पैटर्न में और इंडिया के एग्ज़ाम पैटर्न में। तो मैं क्वेश्चंस डिफरेंस का मतलब वो करके बताता हूँ कि कहाँ तुम्हें एक अलग एक्सपीरियंस मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस की ऐसे लिस्ट आती है, एग्ज़ाम आंसर्स फॉर हॉस्पिटल सर्जरी 2021 का है, बट अभी यही क्वेश्चन सेम होते हैं, क्वेश्चंस की लिस्ट अलग आती है, तो ये पूरा पढ़ना पड़ता है। और ऑलमोस्ट सेम है, जैसे पेप्टिक अल्सर है, तो मैं पेप्टिक अल्सर है इससे पढ़ा हुआ हूँ मैं प्रेप से, तो मैं फिर इसी से कर रहा हूँ। ये पूरे ऑपरेशन होते हैं, बिलरोथ 1, बिलरोथ 2, रॉक्स एंड वाई, ठीक है, डंपिंग सिंड्रोम आता है। अब मैं इसमें चेंजेस दिखाता हूँ वो कहाँ आते हैं। चेंजेस हमारे आ जाते हैं, तो यार चेंजेस देखो, जैसे रशिया में कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जो अलग होते हैं। जैसे मेरा ये क्वेश्चन है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ये 10वां क्वेश्चन है। इसमें पूरे ईटियोलॉजी वो सब पूरी सेम रहेगी, बट जो सिम्टम्स होते हैं ना यहाँ पे, सिम्टम्स इनके कुछ कुछ नाम होते हैं रशियन साइंटिस्ट के। जैसे एक सिम्टम है कोकर वॉल्कोविच, ये सिम्टम एक पेन होता है जो एपिगैस्ट्रियम से रेडिएट होके जाता है इधर इलियक साइड में, राइट इलियक रीजन में, ठीक है। तो इस सिम्टम को ये बोलते हैं, जैसे इनके पेरिटोनियल सिम्टम है, जब पेरिटोनाइटिस होता है तो उसको ये लोग वॉस्क्रेंस की सिम्टम, रसदोल्स की, ब्लमबर्ग सिम्टम, एंटीरियर एब्डोमेन, तो ये सब यहाँ पे जो इनके हिसाब से दिए हुए हैं वो सिम्टम हमको याद करने पड़ते हैं। कुछ कुछ डिसीजेज में होते हैं, कुछ कुछ डिसीजेज में होते हैं, जैसे एक तो मैं पैनक्रेटाइटिस में दिखेगा सिम्टम ऑफ कैरते, मोम्ब्रो सिम्टम, मर्फी सिम्टम, इसमें रसदोल्स की, ब्लमबर्ग और कोलको वोत्कोविच, सितोव्स की, क्राइमोव, तो ऐसे कुछ कुछ सिम्टम्स हैं। और यही सिम्टम्स मैं अभी तुम्हें बताता हूँ इंडियन बुक्स में कैसे दिए। ये देखो, ये सब जो सिम्टम्स हैं, अब इंडियन बुक में तुम अगर अपेंडिसाइटिस देखोगे, ये रहा, इसमें अपन को दिए हुए हैं ये डनफी साइन, एटोन, टेनहॉर्न, रोफ्सकी साइन। रोफ्सकी सिंड्रोम नहीं है ये, तो हॉर्सू किडनी में दिखता है। ऑप्टोरेटर साइन दिया है, ठीक है, और सोएस साइन दिया है, और रोफ्सप्लिन ऑपरेशन नहीं है तो सिस्ट में होता है, एडीपी केडी में, और मैंट्रियल स्कोर भी नहीं दिया है इसमें, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला, ठीक है। तो ऐसे कुछ रहता है, ये सितोव्स्की, गाम्बेज, ऑब्स्टर्व्स्की, तो ये सब थोड़ा चेंज होते हैं ऐसी कुछ कुछ जगह, बाकी तो सब सेम है। जैसे इसके ऑपरेशन ये होता है अपेंडिकुलर इन्फिल्ट्रेशन, एप्सिस, ये सब इसके क्या बोलते हैं, यही, जैसे कॉम्प्लिकेशन सब जगह सेम होंगे, तो ये थोड़ा हमें चेंज करके पढ़ना पड़ता है। तो मैं इंडियन बुक्स, जैसे मैं मतलब बेली भी है मेरे पास, तो बेली मैंने थोड़ी पढ़ी थी यार, बहुत बड़ी है, तो मैं सोचा यार प्रेप से कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा नोट से। ये देखो, ये ऐसी है, सोचा ये पार्ट 1 है, एक और इसका पार्ट 2, तो इससे करने का सोचा था, तो थोड़ा इससे करता हूँ और थोड़ा इसका भी देखता जाता हूँ, तो दोनों साइड बाय साइड होता जाता है तो समझ आ जाता है। क्योंकि इनकी ना, इनके थोड़े डॉक्स ना, मतलब रशिया के डॉक्स तुम समझो थोड़े अजीब से होंगे इनकी इंग्लिश, क्योंकि ट्रांसलेटेड वर्जन होता है, तो उसमें इतना ज़्यादा तुम्हें समझ, मुझे पर्टिकुलर समझ नहीं आता इनकी डॉक्स से, तो मैं पहले अपने से पढ़ता हूँ, फिर इससे थोड़ा सा देखता हूँ क्या है। तो अगर एग्ज़ाम में भी आता है तो साइंस तो मैं इनके याद कर लूँगा, बट बाकी जो डेफिनेशन है वो तो इंटरनेशनली सेम ही होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये थोड़ा मान के चलो कि डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें तुम्हें झेलनी पड़ेंगी, ऐसी तुम्हें फार्मा में भी, 3rd ईयर में फार्मेकोलॉजी होता है उसमें भी झेलनी पड़ेगी, सर्जरी में साइंस ये सब होते हैं, ये सब भी तुम्हें झेलना पड़ेगा, तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। बाकी रखता हूँ मैं, पढ़ने पर ध्यान देता हूँ, मिलते हैं कल परसों, थोड़े थोड़े वीडियो बना के सीधा 2 तारीख को एग्ज़ाम के बाद डालूंगा। 2 जून से 20 जून तक हमारा एग्ज़ाम है, उसके बाद इंटर्नशिप होगी, इसलिए ओके, सो बाय। कैंसर ऑफ इसोफेगस को भी मैलिग्नेंट ट्यूमर अपना इसोफेगस का हो, तो उस वजह से अपने वो कैंसर हो जाता है इसोफेगस में। इकोलॉजी की बात करें तो स्मोकिंग आता है, ठीक है, डिजीज जैसे अपना गर्ड हर बार की है, तरफ पढ़ने आए हैं बाहर, कल हमारा सर्जरी का एग्जाम है, क्लासिफिकेशन में TNM स्टेजिंग वगैरह चलो रखते हैं, कल बात करते हैं। ये देखो यार, अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 10 हो गए ऑलमोस्ट, और सीन देखो, अभी हम लोग रोज़ अभी गर्मी का हम लोग का ये प्रोसीजर रहता है, थोड़ा पढ़ लो, अभी तो एग्ज़ाम है तो यार बुरी तरह पढ़ना ही पड़ेगा, 2 से लेके 20 तक एग्ज़ाम है, तो अभी पढ़ गढ़ के वहाँ सामने तरफ जाते हैं वॉलीबॉल खेलने, 1 घंटे या 1.5 घंटे वॉलीबॉल खेलते हैं, 11 बजे आ जाते हैं, खाना
खाना ना खा के मस्त नींद आती है, तो ऐसा कुछ प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, बाकी चलते हैं अभी घर, कल पेपर है। 3 बार रिवीजन, 3 बार तो क्या, 1 बार पढ़ा था ऐसी फालतू सा, दूसरे बार फिर मैंने अच्छे से पढ़ा, अभी तीसरी बार यहाँ रिवीजन करने आए थे, और अभी एक केस देखना है, मतलब जो डायग्नोस्टिक केस आते हैं, और एक्सरे देखना है। तो ऐसे 5 टास्क आने वाले हैं, उस हिसाब से बनाना है। डूबा नहीं है क्या सूरज? चलो चलते हैं यार। ये देखो यहाँ खेलते हैं हम। हेलो भाई, आधे यहाँ ऐसे घूमते रहते हैं बच्चे, वहाँ है हॉस्टल और यहाँ से हम इधर आ जाते हैं, ये सीन है। और आधे वहाँ खेल रहे हैं, देख लो रात के 10 बज गए, ऐसे रात तक रहेगा अभी 10:30 तक। यहाँ भी है, ये रही हमारी बॉल, इधर ही खेलेंगे। आ गए हैं हम हॉस्पिटल सर्जरी के डिपार्टमेंट, और देखा जाए तो आज हमारा पहले एग्ज़ाम है, 5th ईयर वालों के रात से स्टार्ट है। कल से कुछ लोग का थेरेपी मेडिसिन का स्टार्ट हो गया था, काफ़ी सारा हमने पढ़ उड़ के रात में 1-2 घंटे की नींद लेके इधर आ गए, मेरी तो आँख ही नीचे ही हो गई है। ठीक है, ऐसे ऐसे ओके, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी अंदर जाएंगे तो बताएंगे। 5 क्वेश्चन के सेट है जो मैंने बता दिया था कल पढ़ अड़ के, खेल के भाई आए थे, एक्सरे और केस देखे थे, और फिर हमारा हो गया था। 7:45 पे एग्ज़ाम है, 7:30 पे हम यहाँ आ गए, अभी अंदर जाएंगे चेंज करेंगे और फिर देखो क्या होता है। 3 या 4 टीचर बैठने वाले हैं, ये गाड़ी हमारी सामने से आए थे, लोग अभी तक आए नहीं है यार। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक भाई, जिसका भी सर्जरी एग्ज़ाम है, या तो 4th ईयर वाले जो अभी 5th में आएंगे, ढंग से पढ़ना, बड़े लंबे आंसर। ये है यार डिपार्टमेंट, वो देखो लोग भी आ रहे हैं, और वहाँ उस तरफ हॉस्पिटल है, यहाँ हॉस्पिटल के साथ इधर पे आगे भी जाना है बस। भीड़ हो रखी है पूरी। पेपर मिल रहा है, एग्जाम चल रहा है भाई। तो यार अभी मैं आया था बाहर थोड़ा टहलने, यार बड़ी वो हो रही थी एंजाइटी, क्योंकि रात में यार 1-2 घंटे की नींद हो पाई थी, एक तो आती भी नहीं एग्ज़ाम टाइम में नींद यार। और वहाँ हॉस्पिटल हो गया यार, मेरा पेपर पास है, कुछ बच्चे यार फेल एल भी हुए हैं, पता नहीं कुछ पूछा था, पास कर सकते थे बट किया नहीं इन लोगों ने, बट ऑलमोस्ट बाकी तो सब पास हो ही रहे हैं। बाकी यार मेरा एक क्वेश्चन था पोर्टल हाइपरटेंशन पे, और एक क्वेश्चन था पॉलीपोसिस पॉलिप्स, और तीसरा मेरा क्वेश्चन था, तीसरा क्या था, पेरिकार्डाइटिस था। पोर्टल हाइपरटेंशन सबको पता है भाई क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन पोर्टल वीन का यार हाइपरटेंशन हो जाता है। क्यों होता है भाई? 5 से 10 तक नॉर्मल होता है, 10 से ऊपर पोर्टल हाइपरटेंशन, 12 के बाद ब्लीडिंग हो जाती है। ईसोफेजल 3 टाइप के होते हैं, ईसोफेजल होते हैं, एक तुमने पाइल्स पढ़ा होगा, जो लोग नॉन मेडिकोज हैं
पाइल्स या वो बावासर जिसको बोलते हैं, तो वो भी पोर्टल हाइपरटेंशन से होता है, रेक्टल वेंस का, उसमें कई बार प्रोलैप्स हो जाता है, उसमें होता है तो हम ये एंडोस्कोपिक क्लैम्प वो करते हैं, लाइगेशन करता है, लाइगेशन करते हैं। उसमें बताऊँ जनरली क्या होता है एंडोस्कोपिक में, क्या होता है कि तुम्हें लाइगेट किया जाता है वो बैंड, और अपने आप नेक्रोसिस हो जाता है, ये होता है, ठीक है। बाकी एक होता है, बाप रे कितना काला दिख रहा है, तो इतनी गर्मी है ना, ठीक है। दूसरा होता है मॉरिगन हीमोरॉयडेक्टोमी करते हैं, अगर अब हीमोरॉयडिक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल वाला डेंटेड लाइन के ऊपर, एक्सटर्नल वाला डेंटेड लाइन के नीचे, तो ऊपर वाले में पेन लेस ब्लीडिंग होती है, नीचे वाले में पेन फुल ब्लीडिंग होती है, ऐसा कुछ तो सीन है। बाकी अगर ईसोफेजल है तो उसमें स्क्लेरोसेंट भी दे सकते हैं। स्क्लेरोसेंट क्या करता है, उसमें स्क्लेरोसेंट एक लिक्विड होते हैं बहुत, जैसे इथोलामाइन ओलिएट होते हैं, ठीक है, और पोलिनोडेंट करके कर कुछ होते हैं, तो कुछ वो होते हैं, तो उसमें तुमको स्क्लेरोसेंट डाला और डायरेक्ट नेक्रोसिस हो जाता है, जो वो जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है ना, ऐसे लटकते हैं वो, क्या बोलते हैं, वीन्स तुम्हारी, ठीक है। बाकी हीमोरॉयडेक्टोमी तो है ही, सामने एब्डोमिनल यहाँ साइड भी हो जाता है, उसको हम कैप्यूट मेड्यूसा बोलते हैं, और वहाँ पे यार तुम्हें ब्रॉन्गस्टन कॉर्वेलर ब्रॉन्गस्टन मर्मर्स दिखते हैं, ऐसा प्रेप मिलेगा। मैंने ऑलमोस्ट पता हर चीज़ ना प्रेप से करी थी, इसलिए थोड़ा मैं को ज़्यादा, क्योंकि इन लोग की डॉक में ना यहाँ थोड़ा अजीब सा लिखा रहता है, तो डॉक और प्रेप के नोट्स पूरी सर्जरी के मैंने पूरे देख लिए थे, ठीक है। बाकी और कॉजेस होते हैं यार इसमें, बट जियरी सिंड्रोम है पोर्टल हाइपरटेंशन में, बहुत सारे होते हैं। फिर पॉलिप्स क्या होते हैं, ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, उसमें एडिनोमेटस विलस ट्यूबुलो विलस, फिर जुवेनाइल पॉलिप्स प्यूर्स जैगर होते हैं सिंड्रोम है, वो एसटीके 11 म्यूटेशन से होता है। फिर फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस होता है एपीसी म्यूटेशन का क्रोमोसोम नंबर 5 पे, इसमें है हेमिकोलेक्टोमी होती है यार, फिर एनास्टोमोसिस करते हैं, ये सब था, ठीक है। और क्या था, कॉम्प्लिकेशन है इनके, सर्जरी है पॉलिप्स के क्या होंगे, हेमिरेक्टोमी ये सब करते हैं। और पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या करते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन में यार स्टेंट डालते हैं, वायट, ये याद रखना पोर्टल हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया के हिसाब से भी, यहाँ के हिसाब से भी, तो जनरली स्टेंट डालते हैं, ट्रांस जगलर इंट्रा हेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट ये करते हैं, इसमें राइट हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन की राइट हेपेटिक वेन और इसके बीच में दोनों में वियटर नाम का स्टेंट आता है, उसको लगा देते हैं, तो यार बाईपास सर्जरी वो हो ही गई, मतलब बाईपास टाइप की ये होता है। बाकी एक मेरा पेरिकार्डाइटिस आया था, पेरिकार्डाइटिस इन्फ्लामेशन है पेरिकार्डियम का, पुरुलेंट होते हैं मतलब पस वाले, फिब्रिनस होंगे, फाइब्रिन डिपोजिशन, और बहुत सारे हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन पता नहीं यहाँ पे था नहीं उस लिस्ट में, बट आ गया था, तो फिर मैंने अपने हिसाब से जो किया था। रूमेटिक हार्ट वेल्व डिसीज़ होती है जो बीटा स्ट्रेप्टोकोकस उससे हो जाता है, जो मिमिक करता है बैक्टीरियल एम प्रोटीन्स को, उसके चक्कर में हो जाता है। इसमें क्या करेंगे यार, वही एंटीबायोटिक देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जिससे कि तुम्हारा ठीक हो जाए, और सर्जरी है सब। सर्जरी मेरे को इसकी पता नहीं थी, पेरिडेक्टोमी करते क्या, पेरिकार्डियोसिंथेसिस करते हैं या ज़ाइफोइड से या ऊपर अपेक्स से डाल सकते हैं, तो ये मेरा एक गलत हो गया था। बाकी इंग्वाइनल था मेरा केस, 5 क्वेश्चन आया था उसमें से एक केस भी था, केस मेरा ये इंग्वाइनल हर्निया पे था, प्रोट्रूजन था, स्ट्रैंगुलेशन नहीं था, रेडियो मतलब ये था कि उसका इंग्वाइनल हर्निया बाहर दिखता है। हर्निया क्या होता है, जो तुम्हारा ये होता है ना प्यूबिस पार्ट, उसके जस्ट तरफ प्रोट्रूजन ग्रोथ दिखती है, तो वहाँ पे तुम्हें यार बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो करने होते हैं, उसमें से एक प्रोसीजर बेसिनीज प्रोसीजर्स होता है, जिसमें तुम्हारा एक फेशिया होता है उसका डबल लेयरिंग करते हैं एक लेयर की, और उसको कॉन्जॉइंट टेंडन के साथ उसको बांट दिया। ये देखो ये पीछे हॉस्पिटल है, शक्ल देखो कैसी, 12 बज रहे हैं। एक बेसिनी प्रोसीजर होता है, ठीक है, इसमें इंग्वाइनल हर्निया में। फिर एक क्या होता है, TEP और टैप करते हैं, जो तुम्हारा लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं। यार बहुत ज़्यादा है सर्जरी में, नेम सर्जरी जितनी है ना, और प्रेप के नोट्स में तो बहुत ही ज़्यादा है। टैप करते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल रहता है, एक ट्रांस पेरिटोनियल रहता है, ठीक है। अगर ये अम्बिलिकल हर्निया या दूसरे टाइप की हर्निया होगा, इनसीजनल हर्निया, तो उसमें ऑनले इनले और सबले पेरिटोनियल मैश लगाते हैं, हर्नियक्टॉमी करते हैं, हर्नियक्टॉमी में भाई सैक काटा, पूरे प्रोसीजर्स हैं बहुत बड़े बड़े, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सीख जाओ भाई, तुम्हें हर्निया बहुत टाइम सुना होगा। एक करते हैं हर्नियोरेफी हर्नियोप्लास्टी, हर्नियोरेफी में तुम्हारे प्रोलिन सूचर से भाई जो नीचे का एरिया उसको टाइट कर दो, और हर्नियोप्लास्टी क्या हो गई, उसमें मैश लगा दो, बस ये। और बाकी फेमोरल हर्निया है तो उसमें पता ही तुम्हें लॉकवुड प्रोसीजर करते हैं, लिथ्सवेन करते हैं, और भी कुछ कुछ करते हैं, तो ऐसा कुछ सीन है।
अभी मैं जाता हूँ क्योंकि बहुत सारों का एग्जाम हो रहा है मेरा, यार मैं सबसे आखिरी में गया था बट मेरा सबसे पहले हो गया था, तो मैं बहुत जल्दी देखा क्योंकि आते ही था मेरे को सब, पूरे अच्छे से पढ़ लिए थे मैंने, तो सबसे पहले मैं आ गया था। तो ये सब टाइप की चीज़ें हैं, थोड़ा सीखो मैं जो बताता हूँ, थोड़ा याद भी कर लोगे तो भाई काम तो आ जाएगा। बाकी मेरा एक वो था एक्सरे था, उसमें ERCP था, वो गॉल स्टोन थे और उसमें एंटरोग्रेड कॉमन हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट से कैथेटर डाल रखा था। बाकी हिपेटो पोर्टल, ये पोर्टल हाइपरटेंशन में अगर एमरजेंसी क्रॉनिक एम्बुलेटरी एम्बुलेंस में किसी को भाई हो गया या दूर कहीं गाँवों में इंसान है तो उसको तुम वो ब्लैक्समोन ट्रिपल ल्यूमन डबल बलून कहते हैं, वो होता है क्या बोलते हैं ल्यूमन डबल ल्यूमन, वो पाइप टाइप के होते हैं, एक उसमें जो वो होता है ना तुम्हारा ईसोफेगस वहाँ बलून फूलता है, एक बलून फूलता है तुम्हारा गैस्ट्रिक, तो ऐसे टाइप के हैं। और मज़ा आएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया सर्जरी यार एग्ज़ाम दे के, सीरियसली मुझे पता नहीं डर तो बिल्कुल नहीं लगा, बहुत बच्चों को डर लग रहा था बट शायद मैंने पढ़ लिया हुआ ढंग से तो मेरे को ज़्यादा नहीं लग रहा था डर। बाकी चलते हैं, ऐसे ही मैं बाहर थोड़ा घूमने आया था टहलने, बाकी अंदर चल के दिखाई दिया था मैंने कितने बच्चे हैं, दे रहे हैं अभी सबका हो गया, बाकी आ जाएं सब लोग तो जाता हूँ घर, सो जाऊँगा मैं, टाइम ऑलमोस्ट 10 बज गए, 10 बजे तक हो ही जाना था। ओके अब आ गया यार घर जाने का समय, ओके बस आएगी और निकलते हैं, जैसे हो रहे पीछे थर्ड हॉस्टल वाले भी बस से जा रहे हैं, हम भी बस से जाएंगे, ये कुछ सीन है। और जाते ही खाना ना खा के मैं तो सो जाऊँगा। अब हम लोग का नेक्स्ट एग्ज़ाम थेरेपी का है, मेडिसिन, अब उसका देख लो भाई मेडिसिन कैसा होता है, क्या पता कैसा लेंगे, बुरी तरह उसमें ही बुरी तरह। अभी तक पता चला पिछले ग्रुप जितने हुए 4 ग्रुप उसमें 12 या 13 बच्चे फेल हैं, अब हमारा देखो, ये भी अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। चलो घर चलते हैं।